राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में वहाँ पे बात करेंगे भाई ऑनलाइन एग्जाम्स की, ठीक है। वीडियो ना आखिरी तक देखियो और भाई उसके बाद देखो कमेंट करिए कि भाई किस किस ने एग्जाम दे सका, कौन कौन एग्जाम नहीं दे सकता, ठीक है। तो पहला ऑनलाइन एग्जाम देने खातिर क्या आया था कि भाई जो फॉरन में रहता हो या दिल्ली हरियाणा से बाहर हो या फिर कोविड पॉजिटिव हो, सिर्फ ये तीन कैटेगरी वाले ही है भाई अपने ऑनलाइन एग्जाम दे सकते, ठीक है। लेकिन भाई मतलब जो MDU का प्रशासन है उस पर थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ा है, उसके बाद इनकी के ग्रह आज एक दोपहर ने नया नोटिस डाले है, ठीक है। उस नोटिस में कुछ और कैटेगरी ऐड कर दी है कि भाई जिसमें आप ऑनलाइन एग्जाम दे सको। पहला सिर्फ ये तीन थी कि भाई अगर इन तीन कैटेगरी का अंडर ही आप आओ हो, ठीक है, या तो आप विदेश में रहते हो या दिल्ली हरियाणा से बाहर हो या कोविड पॉजिटिव हो, तो ये आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते। लेकिन अब क्या कर दिया कि भाई अगर किसी की फैमिली में अगर कोई कोविड पॉजिटिव है और उसको क्वारंटाइन रहने के लिए बोला गया है, तो वो भी भाई आप नहीं है ऑनलाइन एग्जाम दे सकता, ठीक है। तो और पांचवी कैटेगरी जो डाली है वह क्या है कि भाई अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज है, मतलब कोई भी बीमारी है, मतलब जो थोड़ी ज़्यादा बीमार बंदा है वो मतलब ऑफलाइन एग्जाम दे नहीं सकता, ठीक है। तो वो बंदा भी क्या है कि भाई अपना ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है, ठीक है। या फिर क्या है आपके द्वारा कोई जेन्युइन रीजन हो, ठीक है, तो जेन्युइन रीजन वाला बंदा भी क्या कर सका है, वो भाई अपना HOD या प्रिंसिपल से परमिशन लेकर ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है, ठीक है। यह तो कैटेगरी होगी भाई, पांच कैटेगरी होगी, छह कैटेगरी कर दी है ये कि भाई जो ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है, या तो विदेश में रहता हो या फिर हरियाणा दिल्ली से बाहर हो या फिर कोविड पॉजिटिव हो या उसकी फैमिली में कोविड पॉजिटिव हो और उसको क्वारंटाइन रहने के लिए बोला गया हो, ठीक है, या फिर उसको कोई क्रोनिक डिजीज हो, ठीक है, वही बंदा सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है, ठीक है। तो ये मैं बता दूं कि भाई ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए आपको परमिशन कैसे लेनी है, ठीक है। तो जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे, एडमिट कार्ड के ऊपर आपका सेंटर लिखा मिलेगा, ठीक है, आपका कॉलेज का नाम, आपका सेंटर लिखा मिलेगा, तो आपको वहाँ कॉलेज में जाना है, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और आपका जो प्रूफ है जिसमें कोई आपका जो जेन्युइन रीजन है वो लिख रखा है, ठीक है, कि भाई मुझे इस वजह से मैं ऑफलाइन एग्जाम नहीं दे सकता, ऑनलाइन एग्जाम देना, वो प्रूफ आपको एप्लीकेशन के साथ लगा के आपके HOD या फिर आपके प्रिंसिपल से प्रूव करवाना, ठीक है। अप्रूव होने के बाद आपको वो मिल जाएगा, ठीक है, अप्रूवल मिल जाएगा कि आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद ही आप ऑनलाइन एग्जाम देना, ठीक है। जब तक आपका अप्रूवल नहीं होता भाई, तब तक आपको कॉलेज या मतलब आपके टीचर के टच में रहना, अप्रूवल होने के बाद मतलब आपको अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद आप ऑनलाइन एग्जाम देने में एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही चीज़ बतानी थी भाई, वीडियो बढ़िया लगा तो भाई शेयर शायर कर दिया करो, लाइक कमेंट शेयर सब सुधा कर दिया करो। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, आराम आराम।